श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन एस्बिलॉन बनी में किया गया। यह आयोजन 16 अगस्त से 24 अगस्त तक किया गया है। कथा व्यास आचार्य प्रवर संत श्री मनीष भाई जी महाराज चंद्रपुर इनकी प्रमुखता से उपस्थिति कार्यक्रम में रही। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सत्संग सेवा समिति बनी की ओर से किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज जी अहीर, विधायक संजीव रेड्डी बुध गुरुवार इनके साथ ही आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर ने आचार्य प्रवर संत श्री मनीष भाई जी महाराज चंद्रपुर इनका पुष्पमाला पहनाकर सत्कार किया, तो मनीष जी महाराज ने भी इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर साथ ही विधायक संजीव रेड्डी बुध गुरुवार इनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर ने कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए आयोजन के लिए धन्यवाद माना। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम समाज के लिए दिशा दर्शक मार्ग से होते हैं। परंपरा संस्कृति की हम ऐसे ही माध्यमों से एक तरह से पूजा आराधना करते हैं। कार्यक्रम होते रहते हैं, जहाँ जहाँ मौका मिला हमें, समय मिला, हम आगे निश्चित ही आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन आज जो राम कथा हो रही है, या जो भी हमें जो अच्छे भी आशीर्वचन मिलने वाले हैं, मार्गदर्शन होगा, ये सभी भारतीय संस्कृति को, संस्कार जो हमें हैं, ये परंपरा ऐसे ही कार्यक्रम से जारी है वर्षों वर्ष, जिसमें ना हम कभी राम को भूले हैं, ना श्री कृष्ण को भूले हैं। जो पूजा अर्चा चलती है, आराधना चलती है, श्रद्धा के साथ में होती है, और इसे चलाने के लिए कहीं ना कहीं आज निश्चित ही यहाँ पर आदरणीय मनीष महाराज जी हमारे सामने एक प्रवचनकार के रूप में हैं। ऐसे कई हैं जो कालांतर से यही मंच पर बैठे हुए, यही बड़े बड़े महान योगी के रूप में आगे याद किए जाते हैं, और इसी के चलते देश में यह परंपरा जारी है। बातों बातों में राम राज की बात कही, मैं यहाँ इतना निश्चित कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री ये देश में जो काम कर रहे हैं सत्ता के माध्यम से, और निश्चित ही सत्ता और धर्म, ये दोनों को, राजनीति और धर्म, ये दोनों कभी अलग हो नहीं सकते। जहाँ अलग हुए हैं वहाँ पर उस देश का कल्याण नहीं हुआ। इसलिए भारत देश में जो संस्कार हमें मिले हैं, बिना धर्म के राजनीति हो नहीं सकती, इसलिए अधर्म नहीं हो रहा है। और इसलिए रामराज आने के जो कल्पकता है, कल्पना है, ये पूरी होने की और हम जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री देश में रामराज लाके रहेंगे, सभी को आशीर्वाद यही मिलेगा भगवानों का, देवताओं का। इसी उम्मीद के साथ में इस आयोजन के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। यह आयोजन समाज के लिए दिशा दर्शक मार्गदर्शक होते हैं, और परंपरा की, संस्कृति की हम ऐसे माध्यम से हम एक प्रकार से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। सबको धन्यवाद। निवेदन करूँगा, हमारे राजनीति में धर्म होना ही चाहिए। जय जय राम कथा, जय सिया।